हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स अपनी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो कि हमें साइबर अटैक से बचा सकती हैं। फ्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमें पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जिसके बारे में जानकर आप अपने आप को साइबर अटैक से बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी के बारे में हमारे देश के सभी नागरिकों को पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट और डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आजकल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। फ्रेंड्स, डिजिटल समय आज का चल रहा है और आजकल हम ऑनलाइन एंटरटेनमेंट जैसे मूवी, सीरीज़ और इंटरटेनमेंट से ले करके फूड भी ऑर्डर कर लेते हैं, हम कपड़ों की खरीदारी भी कर लेते हैं, टीवी, मोबाइल, डीटीएच वगैरह का रिचार्ज भी हम ऑनलाइन कर लेते हैं, इंटरनेट से ही हम अपने मोबाइल का रिचार्ज भी आज के समय में कर लेते हैं। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की फीस भी हम ऑनलाइन पे कर लेते हैं, एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी का ट्रांसफर भी हम ऑनलाइन कर लेते हैं, इसके अलावा बहुत से कमर्शियल ट्रांजैक्शंस भी हम ऑनलाइन करते हैं। इसके अलावा और भी जैसे आजकल हम सब्जियां तक ऑनलाइन पेमेंट करके खरीद रहे हैं। मगर फ्रेंड्स, ऐसे में हमें इस बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भुगतान कर रहे हैं उसको करते समय हम किन बातों का ध्यान रखें कि हम एक सुरक्षित ट्रांजैक्शन कर सकें, हमें किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े, हमारे ऊपर किसी तरीके का साइबर अटैक ना हो। फ्रेंड्स, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन सी टिप्स हैं जिन्हें फॉलो अगर हम करते हैं तो हम साइबर अटैक से बच सकते हैं और साइबर अटैक के द्वारा फाइनेंशियल नुकसान उठाने से भी बच सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारी ऐसी हैं जिनको यूज करना है तो बहुत सुविधाजनक, मगर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें सुरक्षित तरीके से अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस सर्विस का यूज करें ताकि हमें फ्यूचर में साइबर अटैक का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कौन कौन सी टिप्स हैं जो हमें साइबर अटैक का शिकार होने से बचा सकती हैं, किसी भी तरीके का साइबर क्राइम हमारे साथ ना हो उससे हमें बचा सकती हैं। फ्रेंड्स, नंबर वन, यदि आपको ऐसी कोई फोन कॉल, कोई मैसेज, कोई ईमेल आता है जिसमें आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई गोपनीय इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है, तो आप ऐसे किसी भी फोन कॉल को, किसी भी मैसेज को, किसी भी ईमेल को बिल्कुल भी इंटरटेन ना करें। ऐसे फोन कॉल, ऐसे मैसेजेस, ऐसे ईमेल को बिना समय गवाए तुरंत ब्लॉक कर दें। नंबर दो, संदेश यानी कि मैसेज या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होने वाले किसी भी अनवांटेड मैसेज या अनवांटेड लिंक पर आपको बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, ये लिंक आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रेंड्स, नंबर तीन, ऑनलाइन किसी भी प्रकार का कोई भी सामान ऑर्डर करने से पहले आपको ये बात श्योर कर लेनी है कि वह कंपनी जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर, जिसके ऊपर आप प्लेस कर रहे हैं, वो ऑथराइज्ड वेबसाइट है या नहीं। नंबर फोर, अपने डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट की एप्लीकेशन का पिन आपको किसी के भी साथ में शेयर बिल्कुल नहीं करना है। नंबर फाइव, लॉटरी स्कैम से आपको बचना है। लॉटरी स्कैम में फ्रेंड्स, आपको कोई अनजान व्यक्ति फोन करता है, आपको मैसेज भेजता है, आपको ईमेल के माध्यम से इन्फॉर्म करता है कि आपने लाखों रुपए की लॉटरी जीत ली है और उसको प्राप्त करने के लिए आपको बैंक से संबंधित जानकारी देनी होगी। ऐसे लॉटरी स्कैम से आपको बचना है, अपनी किसी भी तरह की जानकारी ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं देनी है, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, ये पांच टिप्स ऐसी हैं जो आपको साइबर क्राइम से बचा सकती हैं, आपको साइबर अटैक से बचा सकती हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से कोई साइबर क्राइम या साइबर अटैक का शिकार होने से बच सके। तो फ्रेंड्स, लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस समय समय पर मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।